तो दोस्तों अभी बहुत ठंड लगी है, अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम लोग रात को, मैं दूध लाया था और मैं अभी कॉफी पी रहा हूँ गरम गरम। और आपको तो मालूम है हमारा घर पूरा खेत के बीचों बीच है और बहुत ठंड लगी हुई है और इसलिए मैं चाय पी रहा हूँ, बहुत ठंड लग रही है मुझे। तो मेरा इंट्रो तो मैं आपको बाद में दूंगा, फिलहाल मैं चाय पी लेता हूँ, बाद में बोलता हूँ। तो दोस्तों आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। प्लीज लेकिन देखिए, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 मत भूलेगा। समझ रहे हैं ना मेरे प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो प्लीज मेरे बात को समझना और आप आगे बढ़ाना भाई, इज्जत का सवाल है। ओके हाँ दोस्तों, आज मैं तुम क्या बताऊं बताइए, आज हम लोग का हीटर जल गया, पानी गर्म नहीं हो पाया, ठंडा ठंडा पानी नहाना पड़ रहा सबको, बहुत ठंड लग रहा है। समझ नहीं आया क्या करूं। देखते मैं जाके दुकान जाता हूँ, शॉप में उसे दिखा देता हूँ क्या बोलते हैं। माय गॉड, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके अब मुझे कदली का पत्ता लाने जाने, आज नाश्ता हम कदली के पत्ते में खाने वाले हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बाहर बहुत ठंड है, देखते हैं क्या होता है। हाँ मैं जाके कदली का पत्ता काटने जाता हूँ, स्वेटर पहन लेता हूँ पहले। अरे वाह क्या एंट्री है, खोलते साथ ही गाय का बछड़ा, तो सो क्यूट, मुझे बहुत पसंद है गाय के बछड़े। वाह दिन तो मस्त निकल गया आज। देखिए दोस्तों, आज हम कदली के पत्ते में हम नाश्ता करने वाले हैं, खाना खाने वाले हैं। आज उसे देखिएगा हम किसे खाना खाते हैं, और जानते हैं हम जब कोई पूजा होता है, कोई कोई फेस्टिवल होता है, तो हम इसी में ही खाना खाते हैं, सब चीज इसी में करते हैं, सब चीज मतलब बस खाना खाते हैं, अलग कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों, कदली का पत्ता है और ये मेरा चम्मच है, और ये हमारा साउथ इंडियन आम का अचार है। देखिए किसे लाल लाल दिख रहा है, तो मैं से खाना चालू कर रहा हूं। तो मैं आपसे खाने के बाद मिलता हूँ, बाय। तो दोस्तों मैं तो चला मेरा साइकिल लेके, साइकिल बेचारी पिचिंग हो गई है, उसे पैचिंग करवाना है, ठीक करवाना है पैचिंग को। माय गॉड वाओ, आज तो ये खाली खाली बैठा है, मतलब मेरा साइकिल का पैचिंग बहुत जल्दी होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ मेरे साइकिल को देखकर मुझे कैसा लग रहा है, पूरी मरी पड़ी है बेचारी, इतने सालों से उठा रही है मेरे को। ओह माय गॉड, देखिए कैसे दिखाई दे रही है साइकिल, पूरी मरी पड़ी जैसे। तो ये रिपेयरिंग करना चालू कर रहे हैं, ट्यूब खोल रहे हैं, ये लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, मैं तो हाथ में रेस्पेक्ट करता हूँ, पूरा ईमानदारी के साथ काम करते हैं लोग। तो अब मेरी रानी का पैचिंग ठीक हो गया है दोस्तों, अब मैं घर जाके मेरा हीटर लेके आऊँगा, मैं भूल गया दोस्तों, अब दूर जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, जाना तो पड़ेगा। चल मेरी रानी तैयार हो जाए घर जाने के लिए। मैं थोड़ा घर घर की ओर जा रहा हूँ, देखते हैं अरे लक्ष्मी इधर क्यों आ रही है, पूछते हैं क्या बात है उससे, क्या वो कहाँ जा रही है? वो हीटर खराब हो गया था तो मैं आपके पास आ रही थी। कहाँ पे जा रही है ये, किधर? मेरे पास आ रही थी, क्या खराब हो गया बोल रहा हीटर? ठीक है चलते हैं, चल पहले दुकान जाके आते हैं, ठीक करा के आते हैं हीटर को। तू नहा ली क्या? नहीं नहीं है, जाएगी साइकिल वो हीटर ठीक कराने जाएगी। अच्छा हुआ दोस्तों लक्ष्मी हीटर लेके आ रही थी, नहीं तो फिर मैं डबल वर्क हो जाता। चलो भगवान जो भी करता अच्छा करता है, इसी बहाने वो मुझसे मार्केट घूमने चले आई है। तो देखिए मेरा मार्केट कितना छोटा छोटा, पूरा खाली खाली दिखाई दे रहा है।
लॉकडाउन है ना, तो यहाँ पे सभी अपने नियम को मानकर चलते हैं सभी लोग। रियली ग्रेट, बहुत अच्छा लगता है साइकिलिंग करना। अच्छी धूप भी लग रही है, ठंड भी लग रही है मुझे। लक्ष्मी तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड नहीं लग रहा है? बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी को बहुत ठंड लग रहा है, तो चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए तो दोस्तों, हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं घूमते घूमते घूमते। जब हम साइकिल पकड़ते हैं तो रुकते नहीं है, सीट लाकर घूमते रहते हैं, घूम घूम के अच्छा से साइकिल में घूमने का मजा लग रहता है। दोस्तों देखिए, ऐसा लग रहा है बाइक में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी साइकिल तो मेरी कार से भी कम नहीं है, वो मेरी रानी है, वो रानी। तो दोस्तों, हम अभी दुकान के थोड़े नज़दीक आ चुके हैं। यह हमारे टीटलागढ़ का छोटा सा प्यारा सा फ्रूट मार्केट है, छोटा सा। यहाँ पे सभी फ्रूट्स बहुत फ्रेश फ्रेश मिलते हैं। देखिए, केले, अंगूर, संतरे। मैं तो दुकान के नज़दीक नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पॉकेट पूरा फिलहाल थोड़ा बहुत खाली है। मैं आपको बस दूर से ही दिखाऊँगा। तो देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह सभी लोग दूर दूर में डिस्टेंस रह के सही ले रहे हैं, कोई के पास भी हैं। तो दोस्तों, हम लोग मार्केट के पास आ गए हैं। मेरी साइकिल उड़ंग बड़ंग हो रही है, गुड़ुंग 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 हो रही है। देख रहे हैं कैसे हो रही है मेरी साइकिल, वैसे ही होती है। जहाँ पर गड्ढे होते हैं, मैं साइकिल ऐसे ही उड़ुंग ढुड़ुंग होती रहती है। तो लगता है मेरा दोस्त का दुकान है वो। हाँ, वो जो इलेक्ट्रिक शॉप है वो मेरे दोस्त का ही दुकान है। बेचारा बहुत ईमानदार है, जो भी प्रॉब्लम होता है बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट करता है। अभी मेरा उसी से मैंने हीटर लिया था, अब मैं उसको दिखाने वाला हूँ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालता है। अच्छा, देखिए दोस्तों, इसने तो अपना टेस्टिंग करना चालू कर दिया, बाल्टीन में रख के जा रहा है। और हाँ, हीटर तो ठीक ही लग रहा है, गलती हो गई है हमसे, कोई बात नहीं है। इसको अरे हम इसको घर ले जाते हैं और गर्म करके दिखा रहा हूँ, टेस्ट करते हैं दूसरे दिन के लिए। तो चलिए, अभी लगाया हूँ, चलते हैं वापिस बैक टू होम। पापा, मुझे जेरॉक्स पेपर लेना है। तूने चिल्ला क्यों बोल रही है? मैं क्या बहरा हूँ क्या? ठीक है, रुक जाएंगे। पापा की तो हाइट वेट ही बड़ा। अच्छा, ये क्विलिंग पेपर ये सब ले रही हो, देखते हैं तुम क्या बना के मुझे दिखाती हो। तो चलो घर जो प्लॉट लेंगे अपन। तो दोस्तों, कितना ठंड लग रहा है, देखिए मैं गर्म गर्म कॉफी पी रहा हूँ। एक्चुअली मैं सर बहुत दुख रहा था, मैं सो गया था और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ठीक है, मैं फिलहाल तो अभी मैं अपना YouTube का जो नया ड्राइंग है वो मैं बनाने वाला हूँ। उसमें बनाने के बाद जो कुछ करूँगा तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, बाय। तो दोस्तों, मैं अपने बेटे के लिए पासपोर्ट का फोटो लेने जा रहा हूँ फोटो स्टूडियो, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, बहुत ठंड है रास्ते में, इतना धुंधला धुंधला जगह देख रहे हैं, पूरा मुझसे ढकता रहा पूरा, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। ओहो, तो मैं अभी आया हूँ घर, अभी मुझे खाना खाना है। अभी टाइम ठीक, अभी बजे हैं ठीक 9:20। तो अभी हम मैं खाना हाथ पैर धो के फ्रेश होकर थोड़ा खाना खा जाऊंगा। खाना खाने के बाद मैं अपना वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनाने के बाद ही जो भी करना है कल, क्योंकि कल के लिए जो ड्राइंग का मेरा थीम है वो अलग है, उसी लिए मैं उसको बनाऊंगा और सो जाऊंगा। ओके, बाय, गुड नाइट।